नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी हमारा सुबह का सत्र शुरू हो चुका है। 47 नंबर का श्लोक शायद करना है सर। आदरणीय सर आप कृपया पढ़ेंगे। 47 नंबर का सूत्र हो गया था सर, दोबारा पढ़ते हैं इसको। अपे वाते न पित्ते वा ताभ्याम वा आप्यावर्ते अनिले फलिनः स्वौषध युतम तैलम एरण्डजम हितम। वायु से कफ के आवृत होने पर, या फिर वायु से पित्त के आवृत होने पर, या फिर वायु से कफ और पित्त दोनों के आवृत होने पर, बलवान पुरुषों को दोषों की अपनी अपनी औषधियों से युक्त एरंड तेल पिलाना। जी थैंक यू सर, थैंक यू। इसकी टीका वीना मैम आप पढ़ेंगी। हाँ सर, पढ़ती हूँ। नमस्ते। हाँ प्रणाम मैम पढ़िए। 47 नंबर की टीका ना। जी कफे वाते ना वृत्ते पित्ते वाते न वा कफे वाते न आवृत्ते पित्ते वा वाते न आवृत्ते ताभ्याम कफ पित्ताभ्याम वा आवृत्ते अनिले सति बलिनो नरस्य ख औषधयुत स्व औषधयुतम एरंड तैलम हितम। हाँ, इसका मतलब है कि कफ ने वायु का आवृत किया या पित्त से वात का आवृत हुआ, या फिर कफ और पित्त से वायु का आवरण हुआ, तब उसमें अपना अपना औषधियों से एरंड तेल को पीना है। अब जैसे कि कफ से है तो शुंठी डाल के हम लोग एरंड तेल पी सकते हैं, पित्त है तो हम लोग चंदन शतावरी या तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे कि क्या डालेंगे, पटोल है, कुटकी है, ऐसे जो पित्त शामक द्रव्य है उसको लेके एरंड तेल पिए तो वो आवरण ठीक हो जाता है पूरी तरह से। अभी हम आगे पढ़ते हैं 48 नंबर का श्लोक, उदर पर प्रलेप। कौन पढ़ेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? अंजना मैम सबसे इंटेलिजेंट है। हाँ अंजना मैम आप पढ़ेंगी 48 नंबर का श्लोक। सर थोड़ा बाहर हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, अभी ठीक है। हाँ वर्षा मैम आप पढ़िए। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। देव दारु पलाश अर्क हस्त पिपली शिग्रुक स अश्वकर्णई स गौमूत्रई प्रदीह उदरम वही। देव दारु धाक आक गज पिपली सहजन अश्वकर्ण इनको गौमूत्र के साथ पीस कर उदर पर बाहर लेप करें। हाँ आपको क्या लगता है ये लेप लगाने से क्या होता है? देवदारू सर वात का शमन हो जाएगा।
तो उधर शूल भी कम हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, ये सब दवाइयां तो वात का शमन करती हैं ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गर्म दवाइयां हैं, तो जब हम जी जी गोमूत्र का पीस उसमें के करते हैं ना, तो स्वेदवा स्त्रोतस जो है उसका जी अवरोध है वो निकल जाता है, तो पानी निकलने लगते हैं वहां से, स्वेद आने लगता है, तो उससे वो, जी क्योंकि सर अम्बुव स्त्रोतस मूत्रवा स्त्रोतस ये सब का अवरोध होता है ना, मतलब कहीं नहीं जी कहीं जी पानी नहीं निकल पाता है, तो ये हमें पानी निकलना है, इसलिए गज पिपली अर्क ढाक ये सब स्वेदवा स्त्रोतस को खोलने के लिए इनका लेप लगाने। फोर्टी जी सर थैंक एट यू नंबर का श्लोक टीका आप ही पढ़ दीजिए वर्षा मैम, देवदारवादी। जी देवदारवादी भीर गौमूत्र सहितैर उदर उदर वाहयात प्रलिम्बे प्रलिम्बेत बाह्यतः प्रलिम्पित, हाँ जी इसमें है कि देवदारू आदि को लेना है गोमूत्र के साथ लेकर उदर में बाह्य प्रलेप करना है, तो लेप लगाने से वही स्वेदवा स्त्रोतस खुल जाता है और वो जी पेशेंट को आराम पड़ता है। जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू आगे 49 नंबर का श्लोक, सर। देवदार आदि मतलब और कौन कौन से सर वो पढ़ा ना हमने जो अच्छा 45 46 48, इसमें देवदार जी है, फिर पलाश है, फिर अर्क, गज पिपली, अकौवा हाँ गजपति हाँ सहजन, शीघ्र ड्रमस्टिक, अश्वकर्ण, ये सारे द्रव्य जो है ना ये गर्म होते हैं, हम लोग ना पत्र पोटली स्वेद करते हैं ना, तो उसमें अर्क और सहजन तो यूज करते ही हैं, पत्र पोटली स्वेद, उससे वो ये कोई भी जो ये रहता है ना फाइब्रोएडिनोमा वगैरह, लाइपोमा सार्कोमा, वो सब डिजोल्व हो जाता है, मतलब उसमें ये सारे द्रव्यों में ये प्रॉपर्टी है कि ये पसीना लाता है, और जलोदर अगर हुआ है, जी पेट में पानी जमा हुआ है, तो उसमें अम्बु कफ वस्त्र, का हाँ उदक वस्त्र स्त्रोतस अवरोध है, ब्लॉक रहता है, पसीना नहीं आता है और यूरिन भी नहीं आता है क्योंकि पेट में पानी है, तो हम लोग पसीना लाने के लिए इसका लेप लगाते हैं, पेट से पानी आता है तो उसका अब्डोमिनल कट थोड़ा कम हो जाता है। जी आगे पढ़ते, उस समय टैपिंग वगैरह तो लास्ट होता था, टैपिंग के पहले ये सब कर दिया जाता था, बहुत फायदा होता था। परिषेक, हाँ इसको पढ़िए आप आदित्य सर, आप पढ़ेंगे जी वृश्चिकार्य सर। शुंठी। हाँ बट सर एक्चुअली मेरा नेट स्लो चल रहा है, वो अच्छा ठीक है, अभी पद्माकिनी भी मैम, घूम मनीषा मैम कोई पढ़िए, रहा है। मैं पढ़ूं सर? हाँ आप पढ़िए मैम, प्रणाम प्रणाम सर। मैम। वृश्चिक वृश्चिकाली वचा शुंठी पंच मूल पुनर्नवात वर्षा भूधान्य कुष्ठाश्च क्वाथे मूत्रकैश्च सेचयेत। मूत्रैश्च सेचेत, हाँ मूत्रैश्च, मूत्रश्च मूत्रश्च सेचयेत। हाँ बिच्छू बूटी वचा सोंठ पंचमूल श्वेत पुनर्नवा लाल पुनर्नवा धनिया कूट इनके क्वाथों से और मूत्रों से उदर पर परिषेक करें। हाँ इसको आपको क्या लगता है क्यों ये कर रहे हैं, ये सारे भी शोथग्न है और वो पसीना लाने वाले हैं, सब स्वेद प्रवृत्ति करने वाले हैं, तो देखिए बच्चा है, बिच्छू बुट्टी है, शुंठी है, पंचमूल है, श्वेत पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा, धनिया, कुष्ठ, इनका काढ़ा बनाना है और मूत्र इसमें डालना है, गोमूत्र वगैरह डाल के, और ऊपर से ऐसे धारा गिरानी है या ऐसे लेप टाइप लगा देना है, तो उससे पसीना आता है और स्त्रोतस जो अवरुद्ध है वो खुल जाते हैं। 50 नंबर, अच्छा इसका टीका पढ़ने पहले पढ़िए मैम, 49 नंबर का टीका पढ़ दीजिए हाँ आशा जी मैम। सर हाँ जी सर वृश्चिकाल कास्यादि काल्यादीना क्वाथेई मूत्रश्च जठर सेचेत। इसका मतलब है वृश्चिकाली आदि को लेना है क्वाथे ही मूत्रश्च, मतलब ये सबका काढ़ा बनाना है, उसमें मूत्र डाल के मूत्रश्च मतलब वो ऐड करना है, और जठर को सेचन करना है मतलब परिषेक करना है, ऊपर से ऐसे डालना है, तो उससे फायदा होता है। आशा मैम आपको संस्कृत पढ़ के कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लगता है सर। जी, आप मैम कहाँ प्रैक्टिस करती हैं, मैं गाजियाबाद में हूँ सर। तो गाजियाबाद में तो आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप है, इतने मतलब हाँ अब पेशेंट तो को बढ़ गया मिले। सर। हाँ हाँ तो जी आप जब भी प्रैक्टिस करती हैं तो आप भगवान धन्वंतरी का नाम लेके बैठिए और अश्विनी हाँ कुमार का,
और ना जब भी आपके पास पेशेंट आए तो आप चैलेंजिंग से चैलेंजिंग केसेस लीजिए, और जो चीज नहीं समझ आए आप मुझे पूछिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। थैंक हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। यू मैम। 50 नंबर का जो श्लोक है, विनीता मैम आप भी गाजियाबाद की है ना, आप भी पढ़ेंगी? विनीता मैम राम सर, मैं पढ़ ले रही हूँ। आप पढ़िए मैम। हाँ उधर वेस्ट है ना, विरिक्ताम्लनामुदरम स्वेदितम साल्वणाधिभिः वाससायेष्टये देवं वायुर्नाम्यामयेत् पुनः। विरेचन होने से घटे हुए उदर बढ़े, क्या है सर, क्या अर्थ घटे मैंने कम पूछा? हुए उदर पर, विरेचन हो अच्छा गया है तो पेट जो है ना वो खाली है, ऐसे लटक रहा है सारा स्किन, तो उसमें साल्वणादि स्वेदन देना है, साल्वणादि नमक डाल के। हाँ घटे विरेचन होने से घटे कम हुए उदर पर सालवनादि स्वेदन द्रव्यों से स्वेद देकर उदर को कपड़े से लपेट देवे, जिससे वायु इनको फिर फुला न देवे। सर अब जैसे पेट हाँ बोल ऐसे लटक जाता है, झूल जाता है, तो ढीला पड़ जाता है, तो उसको फिर सालवनादि स्वेदन देना है उस पर उदर पर कपड़े लपेट करके। और सबसे अच्छा है यदि कि नहीं अर्क कपड़े, लवण जो होता है ना, अर्क लवण में अर्क तो है ही स्वेदन करने वाला, और लवण है साल्वण आदि स्वेदन, तो अर्क लवण जैसे द्रव्य और भी बनाए जो नमक के साथ हो, या जैसे कि हम लोग पत्रपुटली स्वेद में करते हैं तो निर्गुंडी है, शिग्रू है, इमली है, करंज है ना, अर्क है। हाँ नहीं। नमक के साथ उसको मिक्स करके और ऊपर लपेट देना, कपड़ा लपेट देना है कि पसीना है, पसीना है, और वायु जो है वो फिर से वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर फिर से ना जलोदर हो जाए, क्योंकि तो विरेचन से कम सर होता है रोज। हाँ बोलिए मैम। पिछले वाले में एक वृश्चिक बूटी आई है, तो ये अपमार्ग है सर? नहीं, विनीता मैम अलग होता है ना, बिच्छू बुट्टी, बिच्छू काटने वृश्चिक पे उसका वाली बिच्छू बूटी जो है ना, अपामार तो अलग होता है, ये अलग होता है। अर्क देखना पड़ेगा लवण जो सर। होता है, अर्क लवण में तो जला देते हैं, यहाँ पे अर्क लवण नहीं होगा, वैसे अर्क का पत्ता और लवण ऐसे मिक्स करके ऐसे करें। तो सर ये कितने दिन मानना होता होगा? विरेचन आप जब पेशेंट का करा दिए हाँ तो जैसे जैसे एब्डोमिनल गर्थ कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये रोज लपेट के बांध के रखना है, नहीं तो वो फिर वो प्रेग्नेंट लेडी की तरह पूरा पेट फूल जाएगा ना फिर से। अच्छा, यानी कि अगर विरेचन हम 1 से 2 महीने करा रहे हैं तो 1 से 2 महीने इसको बांधना रोज बांधते रहना है। हाँ स्थान संशय मिलेगा, वायु के प्रकोप होगा तो फिर से वो फूल जाएगा, पानी इंसान पानी भी पिएगा फिर से वो फूलते जाएगा, तो वो हो ना फिर से। है। या फिर सर हम लोग इसको बेल्ट भी दे सकते हैं सर कपड़े वाला? इससे स्वेदन भी होता है, इससे स्वेदन भी होता है और पेल्ट की तरह बांधते हैं, मनीषा मैम बोलते हैं। जैसे कोई वर्किंग है, काम पे जा रहा, कुछ कर रहा, तो पट्टा वो तो लपेटेगा नहीं, तो बेल्ट लगा के उसको टाइट करके रखे हाँ और लेकिन वायु अंदर का का पेशेंट इतना प्रभाव कमजोर होता है वो कहाँ ऑफिस जाएगा। ना जी हो। हाँ, काम को यूज करता इसका टीका पढ़ना है, 50 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ना पढ़ो सर। है। हाँ पढ़िए मैम। उधर विरक्ति मला नाम शैलव सा लवण आदि भी स्वेदित ततो वस्त्रेण वेष्टयेत् एव कृते सति वायुर्न पुनराधमापयेत्। हाँ इसका मतलब है कि उदर विरिक्त अम्लान, मतलब जिसका विरेचन करा दिया है विरिक्त हो गया है, अम्लान सालवणादि भी, इसका मतलब अम्लान, अम्लान का आधम है म्लान, म्लान सॉरी, उदर विरिक्त अम्लान, इसका मतलब है कि जिसने विरेचन करा दिया है और इसमें पेट जो है वो सिकुड़ गया है, म्लान का मतलब सिकुड़ गया है, उसमें सालवणादि भी स्वेदित, सालवणादि मतलब ऐसे द्रव्य जो नमक के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो बांध देना है, तो उसे स्वेदन होता है, स्वेदन करने के लिए, और ततो वस्त्रण वेषण ऐसे वो लगा के और कपड़ा डाल के बांध देना है, एवं कृते सती, ऐसा करने से वायु पुनः पुनः न आधापेत, वायु न वायु न पुनः आधापेत, मतलब वायु जो है वो फिर से नहीं पेट को अधवातित करता है, मतलब ऊपर उठाता है उदर रोगी में।
तो सर इनके इनके पत्ते को बांध देना कपड़े से हाँ, गर्म उसमें करके, नमक नमक होना चाहिए, नमक के साथ। वो होना चाहिए। मैंने बताया ना, शिगरू है, मतलब ड्रम स्टिक के पत्ते, अर्क के पत्ते, एरंड के पत्ते, निरगुंडी के पत्ते, और इमली के पत्ते, करंज के पत्ते। हाँ, अब 51 नंबर का श्लोक पढ़िए, कौन पढ़ेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वंदना मैम तो सबसे इंटेलिजेंट है। वंदना मैम, आप पुणे में हैं कि अभी कहाँ हैं? नहीं वैद जी, मैं पूना से आ गई थी, थर्ड डे आ गई थी तो पुणे आप से। मुझे मिली भी नहीं इतना, मतलब आप मिले भी वैसे नहीं। वहां पे मतलब पूजा चलती थी, फिर शाम 6:30 बज जाता था आते आते, फिर 7 बजे से सेशन शुरू होता है, और मेरे पास कुछ साधन ऐसा नहीं था कि मतलब मैं उधर आ पाऊँ। और ये एयरपोर्ट के पास सोच रही थी, वो एयरपोर्ट नहीं था, कोई खत की जगह थी, वहां था वो खड़की, खटकी, खड़की, हाँ खटकी हाँ उसकी चीजें दूर थी वहां, मैं फिर वहां भी नहीं जा पाई, चाचा जी वगैरह किसी को, फिर मैंने आपको पता था बस मैं आई हूँ, किसी को भी नहीं बताया, फिर मैं आ गई। मैं कब दोबारा, उन्होंने दोबारा भी बोला है आने के लिए, तो फिर तब मैं आऊंगी, तब मैं एक दिन पहले ही आ जाऊंगी, पहले सबसे मिलूंगी फिर मैं जाऊंगी वहां। हाँ ठीक है, आपका स्वागत है, आप आइएगा। ठीक है, 51 नंबर का श्लोक पढ़िए मैम। सु विरिक्तस्य यस्य स्याद आत्मान पुनरेव तम सुश्री सुस्निग्धे, सुस्निग्धम बर अम्ल लवण निरुह है समुप पाचरेत। जी भली प्रकार विरेचन होने पर भी जिस रोगी को पुनः आधमान हो जाए, उसकी अति स्निग्ध अम्ल एवं लवण निरुहों से चिकित्सा करें। जी आपको क्या समझा, थोड़ा समझाइए हमें। तो ये लग रहा है कि अगर विरेचन हो गया पूरा, पर फिर भी रोगी को आधमान यानी फ्लैचुलेंस हो रहा हो, नहीं, फ्लैटुलेंस नहीं, उसका पेट फूल रहा है। हाँ पेट फूल रहा है मतलब, हाँ हाँ आधमान हो रहा है, हाँ उसकी अति स्निग्ध अम्ल एवं लवण निरूहों से चिकित्सा करें। क्या मतलब, निरूह बस्ती तो देनी है उसमें और तेल डाल लेना है, और उसमें नमक, तेल, नमक डालना है, और खट्टी चीजें डालनी है। हाँ हाँ ये डाल के, ज्यादा डाल के, जैसे इसमें सब इसमें वैजी नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का भी कर देते हैं। और अति स्निग्ध क्यों बोला है, ये शब्द का मतलब है कि वायु को शमन करना है, वायु रुक्ष गुण से प्रकोपित हो रहा है, तो इसलिए हाँ इसमें घी तेल वगैरह डालना है, और अम्ल रस इसलिए डालना है कि वो दीपन पाचन भी करे, और लवण डालना है कि वो विषेंदन करके सारे कचरा को निकाले, पिघला के निकाल दे, इसलिए डालना है। आप कभी भी नमक पानी का बस्ती लीजिए तो वो सारे जो मल है ना, वो सब निकल जाता है जल्दी से। हाँ जी, और उसको स्निग्धता करने से जो वायु का प्रकोप नहीं होगा हाँ अम्ल से भी नहीं होगा, जी। दीपन पाचन भी होगा। बहुत अच्छा पढ़ा मैम, आपने समझाया भी, थैंक यू मैम। इसका आप सुविरिक्तस्य टीका पढ़िए, सुविरिक्तस्य नरस्य, 51 की टीका। नरस्य यस्य पुनरादमान स्यात् त उदरीण नर पुनरेव निरुहे सु स्निग्ध अम्ल सुस्निग्धे लवण अम्ल लवणश्चोपचारयत्। श्चोपचारित। हाँ, इसका मतलब वही है कि जो जिसका विरेचन हो गया है और उसका पेट में फिर से आधमान हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो उस उदीर्ण उदरीन रोगी को पुनः निरोही निरू देना है। कैसा देना है निरू, तो जिसमें अति स्निग्ध तेल या घी डाला हो, अम्ल रस डाला हो, जैसे अम्लवेतस वगैरह डाला हो, और लवण डाला हो, तो लवण में 5 तरह के नमक होते हैं, उनमें से कोई भी डाल के, यह सब डाल के थोड़ा सा वो डाल के करेंगे ना, तो सारा अधमान सब निकल जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। हाँ केवल लवण जैसे लिखा है तो फिर सेंधा भी लेंगे ना वैसे। जी, थैंक यू मैम। मुनीष शर्मा मैम, आप पढ़ेंगी, आपको कैसा लगता है मैम यहाँ पे पढ़ के? डॉक्टर मुनीष जी शर्मा सर मैम, प्रणाम सर। आप ना, आपको मालूम नहीं आप मैम कितनी इंटेलिजेंट हैं, आप इतना अच्छा प्रैक्टिस भी करती हैं, और आपको अभी देखिए संस्कृत कितना बढ़िया पढ़ेंगी आप। पढ़िए मैम। जी सर 52 पढ़ेंगे सर। हाँ जी जी आदमान में बस्ती प्रयोग जी सूप स्तंभो अपि वा वायुर आदमा पीयति
नरौ तीक्ष्णः सषार गोमूत्रः शस्यन्ते तस्य वस्त्यः। कफ जी आदि आधार कारणों के साथ वायु जिस पुरुष में आदमान उत्पन्न करती हो उसे तीक्ष्ण एवं यवक्षार और गोमूत्र मिश्रित वस्तियां देना उत्तम है। जी जी सर। गोमुत्सम्भा इसका मतलब है कि कफ आदि कारण साबान। से वायु जिस पुरुष में आध्मन करे, यहाँ पे कफ भी है और आम भी है, दोनों है, तो अब कफ को भी निकलना है, आम को भी निकलना है, बिना आम के तो होएगा ही नहीं है बीमारी बार बार। तो इसमें तीक्ष्ण और यवक्षार और गोमूत्र मिश्रित बस्तियां देनी है। अब तीक्ष्ण द्रव्यों में हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग काली मिर्च है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, ऐसे और भी बहुत सारे तीक्ष्ण द्रव्य हैं, वो डाल के यवक्षार डाल के, यवक्षार जो होता है वो शरण करता है, जो भी आम है कफ है उसको पिघलाता है, शरण करता है, और गोमूत्र खुद भी दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, विरेचन भी करता है और वो खुद ही क्षार है, ये सारा बॉडी को क्लिंजिंग करता है, कफ को निकालता है, आम को निकालता है। 52 नंबर का टीका पढ़ना है। तीक्ष्ण वैसे काली मिर्च के अलावा और बताइए तीक्ष्ण। आप बताइए, सरसों है कितना तीक्ष्ण है, हाँ सरसों का बीज, ऐसे और भी तीक्ष्ण चीजें, काली वचा है, मिर्च बस्ती में यूज नहीं करी, कलौंजी, बचा यूज करी। अजमोदा। कलौंजी भी तीक्ष्ण है क्या? कलौंजी, हाँ हाँ अजमोदा भी सर, हाँ अजमोदा शुंठी हाँ का यूज किया है, लेकिन काली मिर्च का सर कभी यूज नहीं किया बस्ती में। आप करिए ना, ठीक है बस्ती में बहुत अच्छा फायदा होता है, दीपन पाचन होता है। हमें तो कफ को निकालना है, तो हम पंचकोल भी डाल सकते हैं बस्ती में, त्रिकटू डाल सकते हैं, पंचकोल डाल सकते हैं, मदन फल। मदन फल तो डालते ही हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है, लेकिन हम डालते हैं ना मदन फल, अपना जो जितनी यापना बस्ती है उसमें मदन फल है। मदन फल से बस्ती लेने से क्या होता है मालूम है, कि वो खींच खींच के दोषों को निकालता है, खींच खींच के। चलिए 52 नंबर का टीका पढ़ दीजिए मुनि शर्मा मैम, डॉक्टर मुनि शर्मा मैम आप पढ़िए। जी सर। स उपस्तंभेन, सहो अपस्तंभेन कफाद्या धातुकेन वर्तते सोप स्तंभो वायुर नरम आदमाम्यपति, नहीं सॉरी, नरम आदमाप्यति तस्य तीक्ष्णा वस्तेह क्षार गोमूत्राभ्या सह शस्यन्ते। जी हाँ सर। और मदन फल डाल सकते हैं, वो तीक्ष्ण होता है, वो आपने सही बताया, वो डाल सकते हैं इसमें, उदर के रोगी को डालने के लिए बोला गया है। तो जब यहाँ पे कफ आदि है और उपस्तंभित वायु भी हो रही है, उपस्तंभित मतलब आम युक्त वायु भी हो रही है और कफ युक्त वायु है, तो इसमें पेट फूल जा रहे हैं, तो वहां पे तीक्ष्ण बस्तियां देनी है। तो तीक्ष्ण बस्ती में ज्यादातर हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं, गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, और तीक्ष्ण द्रव्य और भी जो हमने अभी डिस्कस किया वो डाल के करते हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम आप कितना अच्छा संस्कृत पढ़ी अभी, तो आप 1 साल पहले और अभी में तो कितना फायदा फर्क है आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। जी सर, और बहुत डिफरेंस है और सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। आप रोज पढ़ाते हैं, सर करते हैं, तो सर बहुत अच्छा लगता है, सब थैंक यू मैम, लोगों का बहुत हम सब अच्छा हेल्प आत्माएं हैं, हम सब मिलता। जी आत्माएं, सर। हम सब लोग ना जीवन यात्रा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अच्छे कर्म करना है कि हम सब लोग को परमात्मा के घर जाना है, तो हम सब ही आत्माएं और पवित्र आत्माएं हम सब लोग। आज आप लोग सब लोग प्रेयर करिए कि डॉक्टर शशि तिवारी मैम है ना, उनका आज एडमिशन शायद हो जाएगा, आज या कल में, वो मथुरा में जा रही है मैम, उनका नंबर लग गया है, तो वो ट्रेवल कर रही है, तो आप लोग प्रेयर करिए, आप लोगों के प्रेयर से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा हमको। मथुरा में कौन सा कॉलेज उसमें है दो सर? कॉलेज है, आप लोगों को मालूम होगा ना, दो कॉलेज है, संस्कृति है और एक और कॉलेज, सर संस्कृति को तो जानती हूँ, दूसरा एक पता और नहीं। अच्छा कॉलेज है कहीं, तो उनका एक है मरी सेमरी में है। हाँ शायद मेरे ख्याल तो उनका नंबर लग गया है संहिता में, संहिता सब्जेक्ट में, तो वो मैम आज जा रही है एडमिशन कराने। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी का एमडी में हो जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। ये पढ़िए प्लीज, उदर चिकित्सा की समाप्ति, मंदाकिनी मैम आप ही पढ़ दीजिए। आपको दिख रहे हैं, नहीं तो कोई और पढ़िए जिसको पढ़ने का मन है। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ आप पढ़िए मैम, उदर चिकित्सा की संप्राप्ति इति हम सामान्यतः प्राप्ति नहीं लोक समाप्ति, सॉरी समाप्ति
इति सामान्यतः प्रोक्ता सिद्धा जठरिणा क्रिया। इस प्रकार से उदर रोगियों के लिए सफल चिकित्साएं सामान्य रूप में कह दी गई हैं। हाँ, ये सामान्य चिकित्सा सब कह दिए, कॉमन कॉमन, अब स्पेशल चिकित्सा बाद में कहेंगे, है ना। अब इसका टीका पढ़ दीजिए मैम, आप ही पढ़ दीजिए। इति एव, एव सामान्य उदर सामान्य उदरेणा क्रिया सिद्धा प्रोक्ता। हाँ, इस तरह से सामान्य उदर की क्रिया बता दिया है। उदरेण मतलब उदर रोगी की क्रियाएं, क्रिया मतलब चिकित्सा जो अच्छी रहती है, सिद्ध अच्छी चिकित्सा बता दिया। एक मिनट, ये नीचे देखिए ना, ये क्या बोला है, एक बिल्वस्य बिल वृक्षस्य क्षारेण युक्त मित्यर्थः तथा च संग्रहे बिल्व क्षारम्बसा तैलम पायेत। एक मिनट, ये वन नंबर है ना, कहाँ पे लिखा है वन नंबर का है, एक मिनट। यहाँ जो 45 नंबर का जो श्लोक है ना, इसमें बिल्व क्षारान्वितं पिबेत, इसका अर्थ नीचे संस्कृत में बोला है। जब पार्श्व शूल होता है, उपस्तंभ होता है, हृदय होता है, ऐसे कंडीशन रहती है उदर रोगी को, तो इसका नीचे बताया है कि बिल्वस्य बिल्व वृक्षस्य क्षारण युक्त मित्यर्थः, तो बिल्व वृक्ष लेना है, बिल्व क्षार अम्बसा तैलम पाए, मतलब तो बिल्व का बिल्व क्षार, इसका काढ़ा बना के उसमें तेल डाल के वो पीना है, ऐसे बोला है कुछ। अच्छा, अभी हम ये सेशन बंद करेंगे, थोड़ा कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। मोनिका मैम तो नहीं है, वंदना मैम या विनीता मैम, कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज, पर मैं करूं। आप करिए मैम जी। हाँ चलिए, हम सभी लोग प्रेयर करते हैं, अपने हाथ जोड़ कर आंखें बंद करके बैठते हैं। नीलांबर श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भाई पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथं नमामि रामं रघुवंश नाथं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मंदाकिनी बाबा कितना बढ़िया पढ़ी मैम आप, जी। मंदाकिनी मैम। माता जी मेरी रोज कराती थी हम लोगों को। इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा अर्थ बताइए ना मैम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, जिनका शरीर नीला श्याम वर्ण का है और कोमल अंग है जिनके। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पीले वस्त्र पहने हुए सीता के साथ बैठे हैं। सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासा एक चारु चापम, जिनके हाथों में धनुष है जो राक्षसों का संहार करते हैं। पाणो महासा एक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम, जो रघुवंश कुल से बिलोंग करते हैं, मैं उन नाथों के नाथ को प्रणाम करता हूँ। थैंक बहुत बढ़िया, यू सर। आप आने वाली हैं अयोध्या में जिस दिन प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कर, नहीं सर, नहीं नहीं मैं नहीं आने वाली हूँ। वो वो जनवरी में है, उनके अभी पहले नहीं है, जनवरी में। वो कर लें, उसके बाद हम जाएंगे देखने के लिए। जी ठीक है, थैंक इतनी यू मैम। सिक्योरिटी में सर कुछ मिलेगा भी नहीं देखने को, तो ढंग से। हाँ जी ठीक थैंक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल नया श्लोक शुरू करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, यू सर। और शाम को हम 7 बजे मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।